हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न वोटने की सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमोसोमल अल्टरेशन एंड क्रोमो क्रोमोसोमल एब्रिवेशन के बारे में ये टॉपिक जो है मुझे रिक्वेस्ट किया गया था दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए फ्रेंड्स uh, ये जो है मेरे कुछ पुराने नोट्स हैं अगर आपको समझ में आए तो आप देख लीजिएगा अगर आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हैं सो so, लेट्स प्रोसीड सो so बेसिकली uh, हम क्रोमोसोमल अल्टरेशन या एवरीशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लॉयडी क्या होती है बेसिकली क्योंकि ये टर्म जो है आगे भी यूज़ होने वाला है सो प्लॉयडी इज़ बेसिकली दी एक्चुअल नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम इन नॉर्मल कंडीशन बेसिकली हमको पता है कि जो ह्यूमन बींग है उसमें फोर्टी सिक्स नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं जिसमें कि ट्वेंटी थ्री पेयर होते हैं एज़ यू नो और अगर डिप्लॉड कंडीशन में बात करें तो वो फोर्टी सिक्स होते हैं और हैप्लोइड कंडीशन में ट्वेंटी थ्री मेल एंड फीमेल में ट्वेंटी थ्री दोनों में ट्वेंटी थ्री होते हैं राइट right? बेसिकली जब एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात करते हैं टोटल फोर्टी सिक्स तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लोइडी लेट्स प्रोसीड क्रोमोजोमल अल्टरेशन तो क्रोमोजोमल अल्टरेशन का मतलब है अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में या क्रोमोजोम के नंबर में कुछ चेंजेस हो जाए तो उसे हम कहते हैं क्रोमोजोमल अल्टरेशन एंड एब्रीविएशन बेसिकली जो क्रोमोसोमल अल्टरेशन है वो दो टाइप का हो सकता है न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल में जैसे कि यहाँ पर मेंशन है चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी कि यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है कि जो क्रोमोजोम के नंबर हैं लाइक नंबर क्रोमोजोम नंबर वन क्रोमोजोम टू थ्री एट्सट्रा तो इसमें जो है कुछ नंबर में चेंजेस हो सकता है एंड स्ट्रक्चरल में क्या होगा कि क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कुछ बदलाव हो सकते हैं अब बात आती है कि ये क्रोमोसोमल चेंजेस होते किस वजह से हैं तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं बेसिकली हो सकता है कि uh, कोई पीपल है या कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ उसके साथ uh, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई एक्सीडेंट वग़ैरह हो गया तो उसमें भी क्या हो सकता है कि क्रोमोजोम के जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ सकता है या कहीं पर कोई ऐसी ट्रेजिडी हो गई या अगर हम बात कर सकते हैं हीरो सीमा नागासाकी की हम अभी बात करें जब वहाँ पर अमेरिका ने जब परमाणु बम वहाँ पर गिराया था तो बेसिकली वहाँ पर क्या कहा जाता है कि अभी भी उसका जो डिफेक्ट है वो उनके क्रोमोजोम में देखा गया है तो ये भी जो है इसका एक मेन रीज़न हो सकता है राइट नेक्स्ट इज प्लॉइडी uh, जैसे मैंने आपको बताया कि हम न्यूमेरिकल की सबसे पहले बात करेंगे कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है उसमें जब चेंजेस होता है दैट इज़ कंसीडर्ड एज दी न्यूमेरिकल चेंजेस इन दी क्रोमोसोम। बेसिकली अगर हम बात करें न्यूमेरिकल uh, में जो प्लॉइडी होती है जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ क्रोमोजोम दीज आर ऑफ टू टाइप्स एनियोप्लॉयडी एंड यूप्लॉयडी सो बेसिकली एनियोप्लॉयडी की कंडीशन में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो एक क्रोमोजोम का सेट है उसमें होल सेट से कम जैसे ट्वे फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम है तो पूरा सेट में नहीं एक क्रोमोजोम में जैसे पेयर्स में होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स में तो पेयर्स में नहीं एक बस एक क्रोमोजोम में क्या होगा या तो एडिशन होगा क्रोमोजोम का या तो डिलीशन होगा बेसिकली अगर हम बात करें तो एन्यूप्लोइडी दो टाइप की होती है हाइपोप्लोइडी एंड हाइपरप्लोइडी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हाइपो मीन्स होता है किसी चीज़ का घटना हाइपोप्लोइडी में क्या होगा डिलीशन की कंडीशन होती है यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोजोम का जो नंबर है क्रोमोज़ोम है उसमें से कोई जो नंबर है वो डिलीट हो जाएगा बेसिकली ये तीन टाइप का होता है मोनोजोमी नलीजोमी एंड डबल मोनोजोमी राइट एंड सेकेंड वन इज़ हाइपर प्लोइडी हाइपर मीन्स मोर ज्यादा यानी कि इसमें क्या होगा क्रोमोजोम का एडिशन होगा एक कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम जो है क्रोमोजोम की जो सेट है उसमें ऐड हो जाएगा और ये अगेन फिर थ्री टाइप का होता है ट्राइजोमी टेट्राजोमी एंड डबल ट्राइजोमी सेकेंड वन इज़ यू सो बेसिकली यू में क्या होता है एडिशन और या या फिर डिलीशन हो सकता है होल सेट ऑफ द क्रोमोजोम जैसे क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होते हैं तो इसमें जो क्रोमोजोम का जो सेट है वो ही एड होगा या डिलीट हो जाएगा सो so बेसिकली ये तीन तरीके का होता है हेप्लॉयडी जिसे हम मोनोप्लॉयडी भी बोलते हैं डिप्लॉयडी एंड पोलिप्लॉयडी पॉलिप्लॉयडी जो है फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑटोपोलिप्लॉयडी एंड एलो पोलिप्लॉयडी में राइट सो लेट्स सी अब एक बात आती है कि वट इज़ द रीज़न बिहाइंड द क्रोमोजोमल अल्टरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आ, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जैसे कि बट ये क्या ऐसे चेंजेस होते हैं जिस वजह से ये जो आ, प्रोसेस है या ये जो ये जो क्रोमोजोमल अल्टरेशन है वो होता है बेसिकली दिस इज़ ड्यू टू दॉन डिस डिसफंक्शन ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मेटाफेज की कंडीशन होती है तो जो दो क्रोमोज़ोम हैं वो आपको पता है कि सेग्रीगेट होते हैं पोल्स की तरफ को राइट तो इस कंडीशन में क्या होता है जैसे ही नॉन डिस नॉन डिसजंक्शन जब होता है तो जब एनाफेस की स्टेट आती है आप देख सकते हैं जब क्रोमोजोम डिवाइड होना स्टार्ट होते हैं तो एक ही जो सेल है उसमें दो क्रोमोजोम है और दूसरे में एक भी क्रोमोज़ोम नहीं यानी कि वो एम्प्टी है राइट नेक्स्ट स्टेज में देख सकते हैं आप जब सेल डिवाइड होती है तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पर दो क्रोमोसोम है बट नीचे वो नीचे भी क्रोमोसोम नहीं है वो गलती से ड्रा हुआ है मुझसे बट वहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता है एंड देन जब फर्दर डिवीजन होगा तो पहली में तो एन प्लस वन कंडीशन आएगी एक क्रोमोसोम एडिशन होगा दूसरे में भी एन प्लस वन कंडीशन आप देख सकते हैं जो रेड कलर से इंडिकेट है बट आप जो दो जो पोर्शन है वहाँ पर एन माइनस वन एन माइनस टू यानी कि उसमें कोई भी क्रोमोजोम प्रेजेंट नहीं है बट एक्चुअल में ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए राइट तो यहाँ पर ये क्रिएट हुई है नेक्स्ट इज मियोसिस ओसे सेकंड तो मियोसिस ऑसे सेकंड में भी वही बताया गया है मेटाफिस आप देख सकते हैं कैसे सेग्रीगेशन हो रहा है बट यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होते हैं आप देख सकते हैं जब एनाफेज और टीलोफेज की जब आती है ये फेस तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेल्स के पास एक एक क्रोमोजोम प्रेजेंट है सेट के फॉर्म में जब साइटोकाइनेसिस होती है जब सेल का डिवीजन होता है तो दोनों के पास फिर से एक एक क्रोमोजोम आता है बट यहाँ पर थोड़ा ये चेंजेस हो जाता है कि जब ये फिर से सेपरेट होते हैं देन आप देख सकते हैं कि जब दो सेल बन रही हैं तो एक सेल के पास तो पास तो क्या है दो क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं बट वो पेयर में नहीं है तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर एन प्लस वन यानी कि यहाँ पर एक एडिशन हुआ है नेक्स्ट में आप देख सकते हैं एक भी क्रोमोसोम नहीं है माइनस वन और आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ कंडीशन में कि एक एक क्रोमोसोम है सिंगल यानी कि एन एन इसको हम बोल सकते हैं हेप्लॉइड नंबर में क्रोमोजोम जो है बेसिकली प्रेजेंट होते हैं सो so ये जो है बेसिक इंपॉर्टेंट कॉज है कि किस वजह से ये प्रोसेस होती है राइट सो so, फ्रेंड्स uh, uh, इस वीडियो में अभी इतना ही आने वाली वीडियो में हम जो है इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो